नमस्कार, मैं संकर्तन परिपूर्णन, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची, आप सबों को रेडियो खांची 90.4 एफएम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विश्व रेडियो दिवस है। इस विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर रेडियो के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ रेडियो के वर्तमान पर भी मैं आपके साथ चर्चा आरंभ करना चाहता हूं, आपके सामने आपके समक्ष अपनी बातों को रखना चाहता हूं और रेडियो के क्या भविष्य है, क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, उस पर आपके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आज बात वर्ल्ड रेडियो की हो रही है। आज हम वर्ल्ड रेडियो दिवस मना रहे हैं एक ऐसे परिदृश्य में जहां पर डिजिटल मीडिया का जमाना है। टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, ई पेपर, वेब पोर्टल और लॉट्स ऑफ मीडिया अवेलेबल इन अवर सोसाइटी। और ऐसे में आज रेडियो के भविष्य पर, रेडियो के चुनौतियों पर, रेडियो में संभावनाओं पर, इन तमाम विषयों के संदर्भ में मैं अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। विश्व रेडियो की बात करेंगे तो सबसे पहले जो रेडियो की शुरुआत हुई थी वो 1923 के आसपास हुई थी। और रेडियो जब भारत में आया तो वो 1927 के आसपास, 1927 के आसपास आया था। और 1927 से लेकर अब तक अर्थात 2021 तक एक लंबी यात्रा। और रेडियो में, रेडियो की स्थिति में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव पर बात करना चाहेंगे आपसे। पहले तो रेडियो को समझना होगा कि रेडियो क्या है। रेडियो एक माध्यम है जिस माध्यम के आधार पर हम अपनी सूचनाओं को, जानकारियों को आपके पास पहुंचाते हैं। और रेडियो में किस माध्यम से पहुंचाते हैं, तो रेडियो जो है, आपको मालूम भी होगा कि रेडियो एक ऑडियो मीडिया है। रेडियो में बात शब्दों की होती है, बात आवाज की होती है, बात बोलचाल की भाषा की होती है। और ये बोलचाल की भाषा की जब बात करते हैं तो उसको हम सिग्नल के माध्यम से आपके पास भेजते हैं। सिग्नल भी होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, साउंड वेव होते हैं। तो ये चीजें होती है। तो जैसे जब भी रिकॉर्ड करते हैं ना, तो साउंड वेव रिकॉर्ड करते हैं, बट साउंड वेव किसी कारण से एयर में उसके अपने करेक्टरिस्टिक्स है, वहां उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करते हैं, साउंड वेव में रिकॉर्ड करते हैं और कहीं भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करते हैं। और जब कन्वर्ट करते हैं तो फिर जब आपके जो रेडियो आपका सेट है, जो रेडियो ट्रांसमीटर है, वहां पर एक कुछ ट्रांसमीटर लगा होता है जो चेंज करता है, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है और साउंड वेव भी आप सुन पाते हैं। ये रेडियो का थोड़ा सा साइंस है, विज्ञान है। रेडियो किसानों की भाषा है, रेडियो जो है मजदूरों की भाषा है, रेडियो उनकी आवाज है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आवाज पर आधारित तो जरूर है, लेकिन रेडियो एक समय ऐसा था जब गांवों की आवाज होती थी, किसानों की आवाज होती थी, मजदूरों की आवाज होती थी, रिक्शे वाला की आवाज होती थी, छोड़िए छोड़िए इन तबकों को, विद्यार्थियों की आवाज होती थी। मुझे अभी भी याद है जब मैं 10th 11th में पढ़ता था तो हमारे जो सीनियर्स होते थे वो बीबीसी सुनते थे, बीबीसी। और बीबीसी में कई सारे आपके विषयों पर वो नोट करते थे, कैसा है वैसा है। और रेडियो की विशेषता क्या है, यह आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है इसमें। इसके लिए आपको विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, साहित्यिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। दो बैटरी लगा लिए और मस्त कार में लगाए हुए हैं, कई खेतों पर निकल गए, कई किसानों पर निकल गए। किसानों क्या करते, साइकिल पर टांग लिया, कुदाल पीछे ले लिया, या पैदल भी जा रहे हैं तो गाना बज रहा है। तो ये मजा होता था रेडियो में। हम लोग रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे जब मैच होता था, एंटीना पकड़ा रहे, ये पकड़ा रहे, एक दौर था। और उस समय ऐसा लगा नहीं था कि आज रेडियो के भविष्य पर, संभावनाओं पर, रेडियो के विशेषताओं पर बात होगी, चर्चा होगी और शायद मैं आज एक स्टूडियो में बैठकर आपसे इसके विषय में बात करूं। देखिए, बहुत कम लोगों को पता है भारत में रेडियो की जो शुरुआत हुई थी वो 1927 में हुई थी।
और फिर वो जो है इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो 1930 में बदला, उसको चेंज कर दिया गया और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और पहला जो समाचार प्रसारण सेवा, जो समाचार सेवा 1936 में उसका 1936 में उसकी शुरुआत की गई थी। फिर आया मैं अमीम सयानी और आप सुन रहे हैं विविध भारती। वो आवाज अभी भी हम लोग सुनते हैं, वो आवाज अभी भी हम लोग को अच्छा लगता है कि भाई हाँ अमीम सयानी। अब वो आवाज हवा बाल एक धुन होता था और तो इस तरीके से रेडियो में परिवर्तन हुआ था। रेडियो अपने जब पूरे शबाब पर था तो रेडियो की पकड़ थी। 1956 में आपको ये आकाशवाणी, इसका जो नाम पड़ा आकाशवाणी 1956 में पड़ा, 1956 के पर पड़ा। और आपको यह भी बता दूं कि उतने पीछे जाकर भी रेडियो ने, होता है ना कई तरह के फॉर्मेट्स होते हैं विदेश सेवा, तो पहली बार विदेश सेवा के रूप में जो समाचार प्रसारित किए थे पुश्तो भाषा में, विदेशों में जो लोग हैं, जो विदेशों में रहने वाले लोग, उनके लिए 1939 में पुश्तो भाषा में रेडियो पर प्रसारण किया गया था। 1957 में विविध भारती आया, बिना का गीत माला, मैं अमीम सयानी। वो क्या दौर था, मजा आ गया। अब जरा ये भी समझते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप कहते हैं सर रेडियो खांची है तो 90.4 में मीटर हर्ट्ज है या जो भी, तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो जैसे कि हमारे पास तीन है, एक शॉर्ट वेव है जिसको SW कहते हैं, एक मीडियम वेव है जिसको MW कहते हैं, और एक FM है जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। शॉर्ट वेव 6 to 22 मीटर हर्ट्ज, 6 से लेके 22 तक। मीडियम वेव की बात करेंगे तो 526 से लेके 1606 किलो हर्ट्ज पर, 526 to 1606 किलो हर्ट्ज पर। और जब FM की बात करेंगे तो 88 to 108 मीटर हर्ट्ज पर। इतने बीच में ही आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो ये रेडियो का एक सामान्य परिचय मैं आपको दे रहा हूं। फिर बात आगे बढ़ी, दौर में बदलाव आया। लेनिन ने कहा था, लेनिन की मुझे बात याद आ रही है, लेनिन ने कहा था कि रेडियो बिना दूरी और बिना कागज का समाचार पत्र है। बेशक आप जापान में हो, आप बिहार के किसी राज्य में हो, झारखंड के किसी कस्बे में हो, रेडियो उसको कम करता है छोटे छोटे पार्ट्स में। और डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए जो रेडियो किया, इस तरह जो प्रयोग हुआ और रेडियो ने उस पर एक सफलता हासिल की, इसको ध्यान में रखते हुए 1993 के आसपास प्राइवेट FM चैनलों की बात शुरू हुई कि हाँ भाई ये सब भी होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर 2001 में जो FM चैनलों को स्थापित करने की बात हुई, एस्टेब्लिश करने की बात हुई, तो पहला जो फेज है वो चीज़ उसमें स्टार्ट हुआ। अब तो जानते ही हैं, बिग FM है, रेडियो मिर्ची है, रेडियो धूम है, FM गोल्ड है, आपको अब तो झारखंड में और रांची विश्वविद्यालय के लिए रेडियो खांची है। तो रेडियो खांची और बिग FM में थोड़ा अंतर है। रेडियो खांची जो है वो कम्युनिटी रेडियो है, वो सामुदायिक रेडियो है, और FM चैनल वो FM चैनल है। कम्युनिटी रेडियो का मतलब होता है कि खास वर्ग, खास क्षेत्र के लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए, वो एडुकेशन रूप से, शैक्षिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से उनको मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको एक मंच देने के लिए, सारी बातें। तो कम्युनिटी रेडियो जो कि जब बात आई है, तो कम्युनिटी रेडियो जो है वो भारत में 2004 से शुरू हुआ था, मुझे लगता है शायद एक फरवरी 2004 के आसपास। और पहला जो कम्युनिटी रेडियो था वो अन्ना FM था, जो अन्ना यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार हुआ था। और आज कुछ दिन पहले आप देखिए कि कम्युनिटी रेडियो के क्षेत्र में रेडियो खांची का ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ, जो रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, छात्रों के लिए काफ़ी सहायक हो रहा है। और अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी डिमांड रखी है कि, यानी कि देखिए,
विध्वंस निर्माण सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कभी हमने सोचा नहीं था कि टेलीविजन रेडियो के बिना का गीतमाला खत्म होगा, वो खत्म होगा वो चलता रहेगा, वो खत्म हुआ तो कभी हमने ये नहीं सोचा था कि एफएम चैनल्स आएंगे, एफएम चैनल्स आएंगे तो कभी हमने यह नहीं सोचा था कि रेडियो एक तरह स्थिति ऐसी आएगी कि वो डाउनफॉल में जाएगा। लेकिन आज रेडियो की डिमांड बढ़ रही है, युवाओं की आवाज़ है। आजकल क्या होता है, शहरों में चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं, घर में बैठे हैं। आजकल का युवा वर्ग लड़के हो या लड़कियां हो, हम लोग कंटोपा कहते हैं उसको। कंटोपा होता है ना कि जो कान में हम लोग ईयरफोन लगा तो कंटोपा कहिए, कान को तोप देता है तो उसको लगा के चलते हैं। ठीक है, सड़क पर चलते हैं तो उन सब चीज़ें परहेज करना चाहिए। लेकिन कई तरह की चीज़ें क्या पर ध्यान नहीं बढ़ती, आप चल रहे हैं कोई बात वो भी ठीक है। तो एफएम तो उनका साथी तो एफएम है। वहाँ यूट्यूब नहीं चल पाएगा ना, चल भी पाएगा तो वो वीडियो है, गरम में मोबाइल है, वहाँ एफएम ही लगाते हैं, या तो किसी से बात करेंगे या एफएम चैनल लगा के सुनते हुए। तो ये एक बार फिर बदलाव आया है, और बदलाव जब आता है ना तो उसका कलेवर भी बदल जाता है, रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, चाल बदल जाती है, और जीने का मैंने उस माध्यम को हमारे सोसाइटी के बीच में जीने का ढंग बदल जाता है। तो एक मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि रेडियो का ये बेसिक मूलभूत यह इतिहास है। और मैं कहता हूं कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में, महीनों में जिस तरीके से रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, एफएम रेडियो की मांग बढ़ रही है, अब तो वेब रेडियो भी आ गया। भाई साहब कहाँ है, किस दुनिया में है, वेब रेडियो भी आ गया है। यानी परिस्थितियां बदली, रेडियो भी बदला, समय बदला, रेडियो भी बदला, डिमांड बदला तो भी रेडियो ने बदला, श्रोता बदले तो भी रेडियो बदला, सब बदल गए, रेडियो भी बदला। लेकिन सबके बदलने और रेडियो के बदलने में फर्क तो जरूर है। ये सब बदले किसी के बदलने के कारण, रेडियो बदला हमें बदलने के लिए, क्योंकि रेडियो को कम्युनिटी में, सोसाइटी में, समाज में सबको बदलने के लिए, सबको इम्पावर्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए रेडियो की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से रेडियो और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा। जो कभी हम लोग सोचे थे कि रेडियो खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है, रेडियो बढ़ेगा। चरैवेती चरैवेती, और बहुजन हिताए और बहुजन सुखाए का जो मोटो है, सचमुच इस मोटो को लेकर ही रेडियो और रेडियो के क्षेत्र में जो एफएम चैनल हैं, जो सामुदायिक चैनल हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सामाजिक रूप, आर्थिक रूप, सांस्कृतिक रूप, समाज को, राष्ट्र को मजबूत करेंगे। और तब जाकर हम वर्ल्ड रेडियो की प्रासंगिकता पर भी बात करेंगे, और तब जाकर हम भारतीय रेडियो पर भी प्रासंगिकता की बात खत्म हो जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं प्रासंगिकता की, लेकिन जो स्थितियां हैं, अब प्रश्न प्रासंगिकता का नहीं, अब प्रश्न है ये कैसे और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।